हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। आईपीएल मेगा ऑक्शन का इंतजार हम सबको था और दो दिन चलने वाला ये मेगा ऑक्शन अभी भी चल रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि जिस फ्रेंचाइजी को लेकर लगातार कल तक हम ये सोच रहे थे कि भाई आखिर ये फ्रेंचाइजी इतना सोच समझ कर क्यों खिलाड़ियों के ऊपर जा रही है, उसके पीछे का कारण अब जाकर साफ हो गया। आप देख सकते हैं जी, जिस फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं वो फ्रेंचाइजी की और नहीं मुंबई इंडियंस है। जी हाँ, आप जिस तरीके से मुंबई इंडियंस को लेकर लगातार हम सोच रहे थे कि भाई इतना पर्स में पैसा बचाकर ये फ्रेंचाइजी आखिर करेगी तो क्या करेगी, तो आज उसने अपना खाता खोला है। और जिस तरीके से खिलाड़ियों का जो नाम है, जो जिस तरीके से बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपने पाले में मुंबई इंडियंस ने करने में सफलता पाई है, अब जाकर कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आ गई है कि भाई क्यों आखिर मुंबई इंडियंस ने इतना सोच समझ कर पैसा खर्च किया है। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से ईशान किशन को लेकर लगातार बोली लगाई जा रही थी, सारी फ्रेंचाइजी आपस में जरूर उलझी थी, लेकिन मुंबई इंडियंस पहले से इरादा बना चुकी थी कि वो ईशान किशन के पीछे जाएगी। और कहीं ना कहीं यही कारण था कि ईशान किशन को लास्ट तक जाकर 15.5 करोड़ के आसपास ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने अपने हिस्से में लेने में सफलता पाई। आज की अगर बात करें तो जोफ्रा आर्चर जैसे बड़े खिलाड़ी, उन खिलाड़ियों का नाम मैं आपको बता देता हूं जिन खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस ने आज के ऑक्शन में टारगेट किया है। जोफ्रा आर्चर को 8 करोड़ में, टिम डेविड को 8.25 करोड़ में, फिर डेनियल सैम्स 2.60 करोड़ में। इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस अपने पाले में लेने में सफलता पाई है। कारण यही था कि मुंबई इंडियंस ने शुरू से रणनीति बनाकर काम किया और उस रणनीति पर काम करने का फल ये मिला कि ये सारे खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के पाले में आ गए। इस बीच लगातार ये देखने को जरूर मिला कि मुंबई इंडियंस जिस भी प्लेयर के पीछे जा रही थी, सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें या फिर गुजरात की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, ये सारी फ्रेंचाइजियां जरूर जा रही थी क्योंकि पर्स के मामले में सबसे ज़्यादा जो मजबूत टीम दिखाई दे रही थी, जो फ्रेंचाइजी दिखाई दे रही थी वो थी पंजाब किंग्स। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से मुंबई इंडियंस ने पहले से रणनीति बनाकर अपनी तैयार रखी थी और उसी रणनीति के आधार पर काम किया, जो जाकर आज सफलता मुंबई इंडियंस को मिली है। तो एक तरफ जहां मुंबई इंडियंस की लगातार तारीफ हो रही, दूसरी तरफ एक टीम है, एक फ्रेंचाइजी है जिसको लेकर लगातार आलोचना झेलनी पड़ रही है और वो कोई टीम कोई और नहीं बल्कि सीएसके। जी हां, सीएसके जो कि आईपीएल की 2022 की भी बहुत प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। अगर पिछले चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास की बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके से मेगा ऑक्शन में चेन्नई ने जब जब बिडिंग लगाई है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चेन्नई ने किस रणनीति के साथ इस मेगा ऑक्शन में हिस्सा लिया है, क्योंकि चेन्नई को लगातार आप देख सकते हैं कि जितने ही बड़े खिलाड़ी थे उन पर बोली लगा पा रही थी लेकिन बाद में पैर पीछे खींच ले रही थी। इसलिए अब चेन्नई को लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे, जो कयास लगाए जा रहे थे कि वापस से चेन्नई जो है वो ऐसे खिलाड़ियों को टारगेट जरूर करेगी जिसको हम देख कर ये जरूर सोच पाए कि भाई आईपीएल 2022 भी कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स इस ट्रॉफी को लेकर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। इस कारण से चेन्नई को लगातार आलोचना भी झेलनी पड़ी और चेन्नई के जो फैंस हैं उनमें खासा मायूसी भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही फैक्ट्स और डेटा से जुड़े खबरों के लिए प्लीज़ स्पोर्ट्स फैक्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।